हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं English AS 1। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक रिलेटेड विद व्हेन फर्म हैज अ लॉन्ग टर्म लोन एंड देयर इज अ ब्रीच इन लोन एग्रीमेंट एंड लोन बिकम्स रीपेबल ऑन डिमांड बट ब्रीच इज रेक्टिफाइड। इन दैट केस लॉन्ग टर्म लोन में भी क्लासीफाइड एज करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। इट मीन्स फर्म के पास पहले से एक लॉन्ग टर्म लोन चल रहा है, पर उसमें हमने कुछ ब्रीच कर दी है कोई एग्रीमेंट में एंड लोन आपका ड्यू हो गया है इमीडिएटली। मुझे कहा गया लोन बिकम्स रीपेबल ऑन डिमांड। तो क्वेश्चन आता है कि अब आपने ब्रीच को रेक्टिफाई किया है या नहीं किया है, तो उसके बेस पर आपका जो लोन है एक मे बी क्लासीफाई गया है कि करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। उसमें देखते हैं क्या क्या डिफरेंट केसेस बन गए हैं। तो हमने ये मेंशन किया यहाँ पर ब्रीच लोन एग्रीमेंट टेक्स प्लेस। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, दिस ब्रीच टेक्स प्लेस अप टू एंड ऑफ रिपोर्टिंग डेट। जैसे आप बैलेंस शीट बना रहे हैं अप टू 31 मार्च, उस डेट तक आपका जो ब्रीच है वो अराइज हो गया है, और ब्रीच हैज टेकन आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, इट मीन्स आफ्टर 31 मार्च बट अप टू डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब तक आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव नहीं होती हैं उस टाइम के बीच में आपका ब्रीच अराइज हो गया है। तो अब देखते हैं इसमें डिफरेंट केसेस क्या होती हैं। तो फर्स्ट केस बन गया है आपका, सो देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्रीच, इट मीन्स आपको रिपोर्टिंग डेट मीन जो 31 मार्च है, सो देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्रीच, इतनी देर की पॉसिबिलिटी है कि ब्रीच हो सकती है आपकी, बट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट जो है वो सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशन है एंड आफ्टर रिपोर्टिंग डेट सो नो ब्रीच हैज टेकन प्लेस, राइट। तो फर्स्ट है एक्सपेक्टेशन की आपकी, सो आफ्टर रिपोर्टिंग डेट बट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट कोई ब्रीच नहीं हो रही है, तो इट मीन्स जो प्रेजेंट आपका लोन तरफ लोन है इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन करंट लाइबिलिटी। तो इसको आपने शो करना है लोन विल बी और लोन इज शोन एज सो नॉन करंट लाइबिलिटी। तो मीन्स आप देखो आपका प्रेजेंटली ये लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है, इसमें कोई ब्रीच अभी हुआ नहीं है, एक्सपेक्टेशन थी हमारी, बट इवन आफ्टर रिपोर्टिंग डेट एंड अप टू डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देयर इज नो ब्रीच, तो इट मीन्स लोन आपका कंटिन्यू रहेगा एज नॉन करंट लाइबिलिटी। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, देयर इज एक्सपेक्टेशन है आपकी ब्रीच में, सो इट मीन देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्रीच बट ब्रीच हैज टेकन प्लेस आफ्टर रिपोर्टिंग डेट बट अप टू डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ब्रीच टेक्स प्लेस। ब्रीच का मतलब होता है कोई वायलेशन होगी आपके लोन एग्रीमेंट में एंड ब्रीच टेक्स प्लेस, उतनी जैसे ब्रीच होगी आपका लोन इमीडिएटली बिकम हो जाएगा ड्यू, विच इज कॉल्ड जो रीपेबल ऑन डिमांड, तो इमीडिएटली हमारा लोन जो है वो ड्यू हो गया है। तो इस केस में ये आपकी एग्जिस्टिंग इवेंट मानी जाएगी, सो इट इज एग्जिस्टिंग इवेंट, जिसको कहते हैं इवेंट अक्सरिंग आपके बैलेंस शीट डेट बट आपको डेट ऑफ अप्रूवल होगा, इसको एडजस्टिंग इवेंट मानना है अपने। एक मीन एडजस्टिंग इवेंट का मतलब है जब ब्रीच हो गई है आपकी, एक मीन्स अब लोन आपका ड्यू हो गया इमीडिएटली ऑन डिमांड, तो उसको आप शो कीजिए इट इज शोन एज करंट लाइबिलिटी। अब ये आपकी करंट लाइबिलिटी मानी जाएगी इस साल के लिए एज ऑन 31 मार्च, जो भी आपकी रिपोर्टिंग डेट है। तो पहला केस हमने किया जब सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। अब देखते हैं सेकंड केस है जब आपकी ब्रीच एक्चुअल में हो गई है। अब हम सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं, ब्रीच ऑफ लोन हैज टेकन प्लेस एंड लोन हैज बिकम ड्यू फॉर इमीडिएट पेमेंट, इट मे टेक प्लेस अप टू रिपोर्टिंग डेट और आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, इट मीन दोनों से कोई भी सिचुएशन है, इट मीन्स मैं दोनों के लिए कॉमन मैंशन कर रहा हूँ, ब्रीच हैज टेकन प्लेस एंड लोन बिकम्स ड्यू और वी कैन से बिकम्स रीपेबल ऑन डिमांड, ऑन डिमांड मीन्स इमीडिएटली आपका लोन जो है वो ड्यू हो गया है, इफ लेंडर विल आस्क यू टू रीपे इमीडिएटली। अब आपके ब्रीच राइज हो गई है, एक में राइज अप टू रिपोर्टिंग डेट और एक में राइज आफ्टर रिपोर्टिंग डेट बट डेट अप टू डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखते हैं कि जो फर्म है उसने क्या एक्शन लिया है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, सो फर्म हैज टेकन सो नो एक्शन टू रेक्टिफाई द ब्रीच, इतनी सर अब फर्म के पास पॉसिबिलिटी होती है जब आपका ब्रीच होता है कि आप उस ब्रीच को रेक्टिफाई कर सकती हैं,
बट अपटू रिपोर्टिंग डेट भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया है, एंड इवन आफ्टर रिपोर्टिंग डेट एंड अप टू डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फर्म हैज टेकन नो एक्शन टू रेक्टिफाई द ब्रीच। तो इट मीन्स फिर आपका जो लोन है वो माना जाएगा इट हैज बिकम इमीडिएट ड्यू फॉर रीपेमेंट। तो दोनों ही केसेज में, चाहे आपका अपटू रिपोर्टिंग डेट है ये केस या आफ्टर रिपोर्टिंग डेट है, क्योंकि आपने कोई एक्शन नहीं लिया है, एक विल बी क्लासीफाइड एज करंट लाइबिलिटी। तो इस केस में इसको आप क्लासीफाई कीजिए एज करंट लाइबिलिटी। तो इट मीन्स ये हम सेकेंड केस कर रहे हैं, ब्रीच है टेकन प्लेस एंड लोन बिकम्स रीपेबल ऑन डिमांड। इसमें पहला केस किया हमने, नो एक्शन इज टेकन बाय फर्म टू रेक्टिफाई ब्रीच। अब देखते हैं सेकेंड पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि फर्म ने एक्शन लिया है कि अपना ब्रीच को रेक्टिफाई कीजिए, या हम जो लेंडर है जिसने लोन दे रखा है हमें उसको रिक्वेस्ट करके हैं कि आप हमारे से इमीडिएट पेमेंट एक्सेप्ट मत कीजिए। इट मीन्स सेकेंड पॉसिबिलिटी हम ले रहे हैं, फर्म हैज टेकन सो एक्शन टू रेक्टिफाई ब्रीच। तो हमने एक्शन ले लिया है अपनी ब्रीच को रेक्टिफाई करने का, और उसके लिए कई बार हम लेंडर से एग्री करते हैं कि हमें कुछ टाइम दिया जाए, एंड इट इज ऑल्सो गिवन गया कि लेंडर है ये एग्रीड। लेंगर मीन्स जिसने आपको लोन दे रखा है, मे बी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो लेंगर है जो एग्रीड। सो मे बी अब लेंगर ने कब एग्री किया है, आपके रिपोर्टिंग डेट और आपके रिपोर्टिंग डेट, बट आपको डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेंगर है एग्रीड नोट टू डिमांड इमीडिएट पेमेंट। तो मीन्स लोन के एग्रीमेंट में ब्रीच हो गया है, लोन आपका रीपेबल हो गया ऑन डिमांड, बट फर्म ने एक्शन लिया है। इट मीन्स फर्म ने लेंगर से रिक्वेस्ट की है कि हमें कुछ टाइम दिया जाए, और लेंगर ने एग्री कर लिया है दैट लेंगर विल नोट एक्सेप्ट दिस रीपेमेंट लोन इमीडिएटली। इट मीन्स लेंगर हैज एग्री नोट टू डिमांड इमीडिएट पेमेंट। अब ये एक्शन चाहे आपका अप टू रिपोर्टिंग डेट है या आफ्टर रिपोर्टिंग डेट है, बट अप टू डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो दोनों ही केसेज में एक विल बी सो इट इज रिकॉग्नाइज एज नॉन करंट लाइबिलिटी। अब आपने इसको शो करना है नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि आपको इमीडिएट कोई पेमेंट नहीं करनी है। इट मीन्स ये हमारा लॉन्ग टर्म लोन ही माना जाएगा। तो फर्स्ट केस में किया हमने, जब कोई एक्शन नहीं लिया ये हमारी करंट लाइबिलिटी बन जाएगी क्योंकि इमीडिएट पेमेंट ड्यू हो गई है। सेकेंड केस में फर्म ने एक्शन ले लिया है अपनी ब्रीच को रेक्टिफाई करने का, और उसके लिए कुछ टाइम अलाउ कर दिया लेंडर ने, एंड नो टू डिमांड इमीडिएट पेमेंट, तो ये आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी मानी जाएगी। अब आता है नंबर थर्ड केस। तो जब आप लेंडर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, लेंडर ने आपको ग्रेस पीरियड दे दिया है कि इतने टाइम तक आप अपनी ब्रीच को रेक्टिफाई कीजिए, तो ये सेकेंड केस ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ब्रीच अराइज हो गई है, लोन हमारा ड्यू हो गया है इमीडिएटली, और इसमें थर्ड पॉसिबिलिटी है कि आपने अब एक्शन लिया है, लेंडर के साथ एग्रीमेंट किया है कि हमें कुछ टाइम दिया जाए। इट मीन्स अब हम पहला केस ले रहे हैं अप टू रिपोर्टिंग डेट, सो एक्शन इज टेकन बाय फर्म टू रेक्टिफाई ब्रीच, कि हम ब्रीच को रेक्टिफाई करना चाहते हैं, एंड अप टू रिपोर्टिंग डेट लेंडर हैज एग्रीड एंड लेंडर सो हैज एग्रीड टू अलाउ ग्रेस पीरियड। उसने एग्री कर दिया है कि वो आपको ग्रेस पीरियड देगा। आपको ग्रेस पीरियड हमें मीन्स कुछ टाइम मिल जाएगा अपनी ब्रीच को रेक्टिफाई करने के लिए, टू रेक्टिफाई ब्रीच, बट दिस पीरियड इज ग्रेटर देन 12 मंथ्स, इक्वल टू और ग्रेटर देन 12 मंथ्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। इट मीन्स हम ये बात कर रहे हैं अप टू रिपोर्टिंग डेट तक एक्शन इज टेकन बाय फर्म टू रेक्टिफाई ब्रीच एंड लेंडर हैज एग्रीड टू अलाउ ग्रेस पीरियड, और जो आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा ये मिलेगा फॉर 12 मंथ्स और मोर आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। देखिए आपकी रिपोर्टिंग डेट 31 मार्च है, तो कम से कम आपको एक साल का टाइम मिलेगा कि आप ब्रीच को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो उस केस में ये आपकी रिकॉग्नाइज हो जाएगी, इट इज रिकॉग्नाइज एज नॉन करंट लाइबिलिटी। उसमें जो आपका लॉन्ग टर्म लोन चल रहा है उसको लॉन्ग टर्म ही रहने के लिए उसको एज इट इज शो करेंगे एज नॉन करंट लाइबिलिटी। अब इसमें सेकेंड पॉसिबिलिटी है, आपने एक्शन लिया है आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। इट मीन्स अब हम इसमें ये पहला केस हमने लिया है इसमें लेगेसी, तो सेम केस है, ब्रीच आपकी अराइज हो गई है, लोन बिकम्स रीपेबल इन डिमांड, चाहे ये आपकी रिपोर्टिंग डेट है या आफ्टर रिपोर्टिंग डेट है, बट अब जो फर्म ने एक्शन लिया है, एक्शन ही टेकन टू रेक्टिफाई ब्रीच, ब्रीच को हम रेक्टिफाई करना चाहते हैं, और उसके लिए लेंडर ने एग्री कर लिया है, एंड लेंगर हैज एग्रीड
टू अलाउ ग्रेस पीरियड, एंड दिस ग्रेस पीरियड इज ऑफ 12 मंथ्स और मोर। इट मीन्स मिनिमम आपको ग्रेस पीरियड मिल गया है 12 मंथ्स का, बट ये मिल रहा है आपको आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, बट अप टू डेट अप्रूवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो इस केस में ये आपको ग्रेस पीरियड मिल रहा है 12 मंथ्स का, विच इज आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। पर इस केस में हम इसको एडजस्टिंग इवेंट नहीं मानेंगे, इट इज नॉट ट्रीटेड एज एडजस्टिंग इवेंट। उसमें जब ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है तो ये जो एक्शन लिया है, अब जो लैंगर ने आपको 12 महीने से ज़्यादा टाइम अलाउ भी कर दिया है, इवन गैन एक बिल भी क्लासीफाई गया है करंट लाइबिलिटी। तो इट मीन्स अब जो लोन है आपका, तो लोन विल बी क्लासीफाइड, उसको आपने क्लासीफाई करना है एज करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कर रहे हैं क्योंकि ब्रीच हो गई है हमारी और लोन हमारा ड्यू हो गया इमीडिएटली, एक हैज बिकम रीपेबल ऑन डिमांड। कुछ मीन जब आपका ब्रीच हो जाएगा तो आपने जब ग्रेस पीरियड लेना है उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा आपकी रिपोर्टिंग डेट, फिर को वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी बन सकती है जबकि आपको टाइम मिल रहा है मोर देन 12 मंथ्स। बट यदि आपको ग्रेस पीरियड मिल रहा है आपके रिपोर्टिंग डेट, इवन इफ इट इज मोर देन 12 मंथ्स, फिर भी ये आपकी करंट लाइबिलिटी ही बनी जाएगी क्योंकि इसको हम नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानते हैं। सो इट इज ट्रिकली एज नॉट एडजस्टिंग इवेंट, ये एक अच्छा पॉइंट है। अब देखते हैं फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है। आपने एक्शन ले लिया है ब्रीच को रेक्टिफाई करना है, पर जो ग्रेस पीरियड आपको मिल रहा है लैंगर ने जो एग्री किया है दिस इज लेस देन 12 मंथ्स। तो नंबर डी केस इज ब्रीच आपका राइज हो गया है, लोन आपका ड्यू हो गया इमीडिएटली, बट एक्शन की टिकट तो आपका डी केस है एक्शन ही टेक्शन है फर्म टू रेक्टिफाई ब्रीच। अब आपने एक्शन लिया है मे बी आपकी रिपोर्टिंग डेट और आपके रिपोर्टिंग डेट, एंड लैंगर है अलाउड ग्रेस पीरियड टू रेक्टिफाई ब्रीच फॉर लेस देन 12 मंथ्स। आपको जो आपको ग्रेस पीरियड मिल रहा है ये आपको मिल रहा है फॉर लेस देन 12 मंथ्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, क्योंकि इसमें चाहे वो आपको लेस देन 12 मंथ्स मिल रहा है आपकी रिपोर्टिंग डेट या आपके रिपोर्टिंग डेट, दोनों ही केसेस में तो दिस लोन विल बी क्लासीफाइड एज करंट लाइबिलिटी, क्योंकि आपको जो टाइम मिला है रेक्टिफाई करने का वो लेस देन 12 मंथ्स है। तो इट मीन्स अब आपकी जो लोन है वो आपका क्लासीफाई हो जाएगा एज करंट लाइबिलिटी। इसका एग्जाम्पल्स करते हैं इसके बेस पे, कुछ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन सी एग्जाम्पल नंबर 11, इसमें देखिए आपको मेंशन किया है तो एंटिटी ए है कि कलेक्शन ए लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम एंटिटी बी, इनकी मंथ ऑफ फेब्रवरी 2022 देयर हैज बीन ए ब्रीच ऑफ लोन प्रोविजंस एंड द लोन बिकम्स पेबल ऑन डिमांड ऑन 31 मार्च 2022। आपको इनको मेंशन किया है वो ए ने लोन ले रखा है बी से, इट मीन्स ए लिमिटेड, तो उसका ईयर कह रहा है आपका 21 से 22, तो आपकी 31 मार्च है 2022 जिसे जो रिपोर्टिंग डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो उससे पहले फेबररी में देर इज ए ब्रीच इन फेबररी 22, देर इज ए ब्रीच इन लोन एग्रीमेंट एंड लोन हैज बिकम रीपेबल ऑन डिमांड। सो ए नेगोशिएटेड विद एंटिटी बी, बी जो है वो है लैंडर, ए ने लोन लिया है बी से, बी लिमिटेड, तो बी लिमिटेड इज लैंडर, सो हु हैज प्रोवाइडेड लोन। तो आपने जो एग्रीमेंट साइन किया है उनकी मंथ ऑफ जून, सो ए नेगोशिएटेड विद एंटिटी बी फॉर नोट टू डिमांड पेमेंट इमीडिएटली एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव फॉर इशू इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब आपने आफ्टर 31 मार्च इनकी मंथ ऑफ जून 22, सो वेयर इज एग्रीमेंट और नेगोशिएशन विद लैंडर, गैट लैंडर विल नोट डिमांड इमीडिएट पेमेंट, ये आपका एग्रीमेंट हो गया है लैंडर विल नोट डिमांड इमीडिएट पेमेंट। और आपकी जो डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसकी डेट है जुलाई 22, सो पर डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज जुलाई 22। तो आपको मेंशन करना है एक्वाई उनका क्लासिफिकेशन हो गया लाइबिलिटी करेंगे और नॉन करेंगे एक्ट परिंग गेस वन। तो अब ये लोन है आपका जिसे ये लोन,
तो प्रेजेंटली जो है ये लोन आपका है नॉन करंट लाइबिलिटी। सो वी कैन राइट योर प्रेजेंटली इट इज योर नॉन करंट लाइबिलिटी। अब आपका ब्रीच हो गया है, बट उस ब्रीच के लिए आपने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है विद लेंडर एंड लेंडर विल नो डिमांड इमीडिएट पेमेंट। ब्रीच हो गई है बट लेंडर हैज एग्रीड दैट लेंडर विल नो डिमांड इमीडिएट पेमेंट, और ये एग्रीमेंट आपका हो गया अप टू डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उस केस में इट विल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट लाइबिलिटी, इट विल कंटिन्यू टू बी क्लासिफाइड एज ए नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, सिंपल केस। नेक्स्ट लेटर सी एग्जाम्पल नंबर 12, उसमें देखिए आपको मेंशन किया है एन एंटिटी हैज टेकन ए लोन फ्रॉम ए बैंक ऑन 1 जुलाई 2021 टू बी रीपेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1, 2024। सो वन ऑफ द लोन कोवेनेंट्स इज दैट एन अमाउंट इक्वल टू लोन अमाउंट शुड बी गारंटीड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द एंटिटी बाय फेब्रवरी 2022। कुछ मीन्स आपने एक लोन लिया है जिसकी रीपेमेंट स्टार्ट होगी 2024 में, पर उसमें एक कंडीशन है कि लोन की गारंटी होनी चाहिए बाय डायरेक्टर्स अप टू फेब्रवरी 2022। सो फेलिंग विच द लोन बिकम्स पेबल ऑन डिमांड, लेकिन आप गारंटी नहीं देते हैं तो आपका लोन जो है वो बन जाएगा रीपेबल ऑन डिमांड। द बैंक कैन नॉट डिमांड इमीडिएट पेमेंट ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड, पर आपको बैंक ग्रेस पीरियड अलाउ करता है फिर उस केस में बैंक इमीडिएट पेमेंट आपसे रिसीव नहीं करेगा। एंड हाउ का लोन ऑब्लिगेशन शैल बी क्लासिफाइड एज ऑन 31 मार्च 2022 इन द फॉलोइंग सिनेरियो। तो आपने 31 मार्च 2022 की जब आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उस केस में आप इस लोन को किस तरीके से शो करेंगे, उसके डिफरेंट केसेस आपको दिए हैं। तो पहले देखते हैं आपको देखो करंट ईयर दिया है हमें 2021 2022। तो ईयर देखो आपका स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल जिसे जो 21, और आपने जो लोन अवेल किया है जिसे जो 1 जुलाई 2021 लोन ही टेकन, और इसकी जो कंडीशन है कि आपने गारंटी देनी थी डेट जो बाय फेब्रवरी, तो जिसे जो फेब्रवरी 2022 गारंटी को भी प्रोवाइडेड गारंटी बाय डायरेक्टर्स। उसमें कंपनी ने जैसे लोन लिया है तो उसकी हमने गारंटी देनी है डायरेक्टर्स ने आपको फेब्रवरी 2020 को। फिर आपकी अब मार्च की डेट आ गई है 31 मार्च 2022। फिर आपने ये जो लोन लिया है उसकी पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है 1 जनवरी 2024। उसमें से हम नॉर्मल पीरियड कैलकुलेट करें 31 मार्च से लेके 1 जनवरी 2024, तो 2022 से लेके आपके बाई द एंड ऑफ 2022 आपके रिमेनिंग मंथ्स हैं 9 मंथ्स प्लस 2023 के हैं 12 मंथ्स, इतने जिसे जो 21 मंथ्स। इतनी जो इंस्टॉलमेंट आपने पे करनी है जिसे पेबल आफ्टर 12 मंथ्स है, तो इट मीन्स प्रेजेंटली जो है हमारी ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो प्रेजेंटली इट इज नॉन करंट लाइबिलिटी। देखिए आप इसको शो करके हैं एज ऑन 31 मार्च 2022, और कोई आपकी वायलेशन नहीं होती है, इट मीन्स जो जैसे गारंटी देने की डायरेक्टर ने वो प्रोवाइड कर ली है। पर अब देखते हैं हमें ये मेंशन किया डिफरेंट केसेज हैं। तो फर्स्ट केस है डायरेक्टर्स गारंटी वॉज बी ऑब्टेन्ड बाय द एंड ऑफ फेब्रवरी बट एज ऑन 15 मार्च द एंटिटी हैड नॉट बीन एबल टू गेट द डायरेक्टर्स गारंटी एंड देयरफॉर एंटिटी अप्रोच द बैंक टू ऑब्टेन ग्रेस पीरियड अप टू सितंबर 30, 2022 टू गेट द डायरेक्टर्स गारंटी। अब वो गारंटी को गारंटी देनी थी, ये कंडीशन जो है आपकी सेटिस्फाइड नहीं हो पाई है अप टू 15 मार्च तक। तो इट मीन्स फर्स्ट स्टेज में हम कह सकते हैं इट मीन देयर इज अ ब्रीच, तो देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इट मीन्स अब इस गारंटी को देने के लिए या हम कहते हैं कि ब्रीच को रेक्टिफाई करने के लिए अब हमने ग्रेस पीरियड मांगा है लेंडर से, और जो बैंक है उसने एग्री कर लिया है कि वो आपको ग्रेस पीरियड देगा अप टू सितंबर 30, 2022। और इट मीन्स अब ब्रीच हो गया आपका, सो देयर इज अ एग्रीमेंट विद बैंक, और बैंक के साथ आपका एग्रीमेंट हो गया है और ये हो गया है आपका अप टू रिपोर्टिंग डेट। तो एग्रीमेंट हो गया है कि बैंक विल अलाउ ग्रेस पीरियड, तो बैंक विल अलाउ ग्रेस पीरियड। अब आप देखो ग्रेस पीरियड आपको कितना मिल रहा है, ग्रेस पीरियड आपको मिल रहा है अप टू सितंबर 30, 2022। तो इट मीन्स रिपोर्टिंग डेट के बाद ग्रेस पीरियड आपको मिलेगा अप टू सितंबर 30, 2022।
कितना टाइम है रिपोर्टिंग पीरियड डेट के बाद? मार्च से लेकर सितंबर, इट मीन दिस इज 6 मंथ्स, तो ग्रेस पीरियड रहेगा अप टू 6 मंथ्स, तो विच इज लेस देन 12 मंथ्स, तो ये 12 महीने से कम है। तो इस केस में अब आप इस लाइबिलिटी को किस तरीके से अपनी बुक्स में शो करेंगे, एज नॉन करंट या करंट? अब आपका ब्रीच हो गया है तो आपको ग्रेस पीरियड भी मिल गया है, बट जिस ग्रेस पीरियड की लेस देन 12 मंथ्स है, तो इट मीन्स इट विल बी रिपोर्टेड एज, तो जिस लाइबिलिटी और वी कैन से गए जिस लोन विल बी सो क्लासीफाइड एज करंट लाइबिलिटी, अब उसको आपने शो कर देना है एज करंट लाइबिलिटी फर्स्ट केस में। तो अब देखते हैं सेकेंड केस, आपको मैंशन किया है डायरेक्टर्स गारंटी वाज टू बी ऑब्टेन बाय एंड ऑफ फेब्रवरी, एज ऑन 15 मार्च एंटिटी हैज नॉट बीन एबल टू गेट द डायरेक्टर्स गारंटी। अब भी सेम केस है कि 31 मार्च तक आपको गारंटी नहीं मिल पाई है, इतनी देरी है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर द एंटिटी अप्रोच द बैंक टू ऑब्टेन ग्रेस पीरियड अप टू June 30, 2023 टू गेट द डायरेक्टर्स गारंटी। और इसमें हमने ग्रेस पीरियड रिक्वेस्ट की है बैंक को, और ग्रेस पीरियड आपको मिला है June 30, 2023 का। इट मीन्स सेकेंड केस में अब आपको जो ग्रेस पीरियड मिल रहा है ये भी है आपका एग्रीमेंट अप टू रिपोर्टिंग डेट हो गया है, तो उस केस में सेम ही सिचुएशन है आपकी, एग्रीमेंट हो गया अप टू रिपोर्टिंग डेट, बट बैंक विल अलाउ ग्रेस पीरियड, तो ग्रेस पीरियड आपको मिल रहा है देखो जो आपकी क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2022, तो उस डेट से लेकर आपको ग्रेस पीरियड मिल रहा है इसी जो June 23, तो आप देखिए कितने मंथ्स बनेंगे, मार्च से लेकर 23 के जून तक ये बन जाएंगे आपके 15 मंथ्स, सो जिस ग्रेस पीरियड रहेगी 4 15 मंथ्स, नाउ जिस ग्रेटर गए 12 मंथ्स। तो हमारा रूल क्या है बेसिकली, क्योंकि अप टू रिपोर्टिंग डेट आपका एग्रीमेंट साइन होना क्या है लैंगर के साथ, और लैंगर एग्री करके है ग्रेस पीरियड देने के लिए, एंड इफ यू गेट मोर देन 12 मंथ्स देन लोन विल बी क्लासीफाइड एज नॉन करंट लाइबिलिटी। तो इस केस में आपका लोन जो है वो क्लासीफाई हो जाएगा एज नॉन करंट लाइबिलिटी, राइट? ए और बी में देखो फैक्ट्स आपके सेम है, 15 मार्च तक आप गारंटी नहीं दे पाए, सो देयर इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और अप टू रिपोर्टिंग डेट तक आपने बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लिया है टू गेट ग्रेस पीरियड, पर पहले केस में ग्रेस पीरियड आपको मिला 6 मंथ्स का, इट मीन्स विच इज लेस देन 12 मंथ्स, सो लाइबिलिटी विल बी क्लासीफाइड जाएगी करंट लाइबिलिटी। और सेकेंड केस में ग्रेस पीरियड आपको मिला आपको June 23 विच इज फॉर 15 मंथ्स जिस इज मोर देन 12 मंथ्स, सो लाइबिलिटी विल बी क्लासीफाइड जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटी। अब देखिए एक और केस लिया उन्होंने सी केस, तो नेक्स्ट देखते हैं सी केस में आपको देखो मेंशन किया है डायरेक्टर्स गारंटी वाज टू ऑब्टेन बाय द एंड ऑफ June 2022 एज ऑन 15 मार्च 2022 एंटिटी एंड दिस स्पेस डेट गारंटी में नॉट बी अवेलेबल बाय ड्यू डेट। और इसमें थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है सी में, कि जो गारंटी आपको लेनी है गारंटी को भी ऑब्टेन्ड, तो इसकी जो डेट है डेट अप टू June 2022, तो अब अपनी गारंटी जो रिसीव करनी है डायरेक्टर से फॉर दिस लोन उसकी डेट है आपकी आफ्टर रिपोर्टिंग डेट दिस इज अप टू 30 June 2022, बट नाउ वी आर सेइंग दैट एज इन 15 मार्च इतनी जो करंट रिपोर्टिंग पीरियड है आपका एंटिटी एंड दिस स्पेस डेट गारंटी में नोट भी अवेलेबल, बट अप टू रिपोर्टिंग डेट इट मीन्स जब आप अपनी बुक्स बना रहे हैं 31 मार्च को या बैलेंस शीट फाइनलाइज कर रहे हैं अब की रिपोर्टिंग डेट, सो देयर इज एक्सपेक्टेशन, तो यहाँ पर सिर्फ एक्सपेक्टेशन है आपकी, एक्सपेक्टेशन है कि अब को 30 जून गारंटी में नोट भी ऑब्टेन्ड, इट मीन्स इसको हम कह सकते हैं देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्रीच ऑफ लोन एग्रीमेंट और लोन कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा रूल क्या है, जब आपकी सिर्फ एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में ब्रीच हो सकती है इसका हम कंसीडर नहीं करेंगे, सो इट्स इफेक्ट नॉट टू बी कंसीडर्ड, नॉट बी कंसीडर्ड, तो सिंपली आपने इसको इग्नोर कर देना है, इतने जो आपका प्रेजेंट लाइबिलिटी है जी उसको एज इट इज आप शो कर दीजिए, तो देयर आस्किंग हेंस द एंटिटी अप्रोच द बैंक टू ऑब्टेन ग्रेस पीरियड अप टू 30 September 2022 टू जाके डायरेक्टर करेंगे। अब बैंक ने अप्रोच भी किया है, कंपनी ने अप्रोच भी किया है बैंक को कि आप हमें ग्रेस पीरियड दे दीजिए, पर हमारा बेसिक रूल यही है जब सिर्फ एक्सपेक्टेशन है उसका इफेक्ट हमने कंसीडर ही नहीं करना है, इट मीन्स लोन विल
कंटिन्यू टू बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट लाइबिलिटी। कंटिन्यू मीन्स प्रेजेंटली भी हम इस लोन को नॉन करंट लाइबिलिटी शो कर रहे हैं, जबकि कोई ब्रीच नहीं होते हैं। एंड इफ देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्रीच, उस केस में भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे टू क्लासिफाई एज नॉन करंट लाइबिलिटी। तो जस्ट अ गुड क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया इन AS1 में हाउ टू क्लासीफाई करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी व्हेन देयर इज ए ब्रीच इन लोन एग्रीमेंट, और हमने कुछ एग्जांपल भी डिस्कस किए। तो फर्दर टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।